सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का जो वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम एक स्पेशल जगह पे आए हैं और ये जो प्लेस है उसका नाम है दौलत विलास पैलेस। और ये एक हेरिटेज पैलेस है हिम्मत नगर में जो अहमदाबाद से 75 किलोमीटर दूर है। इट्स अ स्टेकेशन प्लेस, मतलब आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ या फिर हमारे जैसे कपल हो तो आ सकते हो रुकने के लिए। पूरा ये हेरिटेज पैलेस है, पहले पैलेस हुआ करता था राजा और उसके जो सन्स अभी भी वहाँ पे अंदर रहते हैं। ऊपर का जो फ्लोर है वो उनका ही है, नीचे 8 से 10 रूम बनाए हुए जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं, वो भी कुछ हेरिटेज स्टाइल में ही पूरा रूम बनाया गया। रूम मैंने पहले के वीडियो में आपको देखा होगा, रूम की मैंने टूर दे दी है तो रूम पर आप वो वीडियो में देख सकते हो। ऐसे ही सारे रूम से अलग अलग थीम में, कोई फिश थीम में, हम अभी देखेंगे अगर रूम ओपन करके दे रहे हैं हमें तो हम आपको रूम पर दे देंगे। ये जब सामने आप एंटर करते हो तो इतना बड़ा गेट है, एज यू कैन सी। और गेट से एंटर करते ही ये बड़ा सा रास्ता है, दोनों तरफ लॉन है। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमने पूछा था ऑनर से, बोल रहे कि शादी के लिए भी रेंट पे देते हैं, तो अगर यहाँ पे आप शादी करना चाहते हो सामने की साइड जो रूम से वहाँ पे अरेंजमेंट हो जाती है दूल्हा और दुल्हन दोनों की फैमिलीज के लिए और रेडी होने के लिए एंड एवरीथिंग। ये पूरी प्रॉपर्टी है वो लोग देते हैं शादी के लिए। लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट कैसा इनका हॉल है जहाँ पे हम लोग ने दोपहर में खाना खाया था। अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा हम अंदर गए थे खाना खाने के लिए, बहुत ही ऑसम है। ऐसा लग रहा था किसी हेरिटेज जैसे राजा उस ज़माने में खाना खाते थे, ऐसे ही बड़ा सा मस्त टेबल था, पुरानी चीज़ें वहाँ पे रखी गई थी। लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट। कैमरामैन अंजलि के साथ, कैमरामैन अंजलि। सो दिस इज़ द पार्किंग एरिया जहाँ पे आप कार अपनी पार्क कर सकते हैं। दोनों तरफ ऐसे एरियाज है और बीच में ऐसा छोटा सा गार्डन बना हुआ है। यहाँ पे फाउंटेन्स है बट अभी वो वर्किंग नहीं है, अंदर स्विमिंग पूल भी है। तो मैं आपको एमिनिटीज़ भी दिखाऊंगा कौन कौन सी है। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक सूर्यवीर सिंह जिन्होंने हमें अलाउ किया और ये हमारा जो प्रॉपर्टी है अभी लंच के टाइम ही खोला था, पर मैंने रिक्वेस्ट किया कि सारी लाइट्स ऑन करके एक बार हमें अंदर से वीडियो शूट करने दे ताकि हम दिखा सके कि क्या चाहिए। सो लेट्स गो इनसाइड। सो ये पूरा सिटिंग एरिया है यहाँ पे, एज यू कैन सी यहाँ नीचे देखेंगे तो शेर है, हाँ तो कारपेट टाइप बना हुआ, जितनी भी पुरानी उस जमाने की चीजें वो एंटिक्स चीजें, टेबल है या फिर फोटोज है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी। सो लेट्स चेक इट आउट। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग, ये जो शेर का ऐसा बना हुआ है, अभी यहाँ पे जो भाई काम कर रहे हो बोल रहे कि ये असली है खाल में से, अब हमें तो नहीं पता पर लग तो रहा है टच करने से। अच्छा और ये पुराने जमाने की वो चेयर, अच्छा इस पे राजा बैठते होंगे समथिंग। थोड़ा बहुत जो फर्नीचर है वो भी नया है, काफ़ी सारा फर्नीचर है वो भी पुराना है, पेंटिंग्स जो सारी है यहाँ पे वो पुराने ज़माने की है। उसके अंदर आते ही एक छोटा सा पैसेज है और पीछे है डाइनिंग हॉल, और ये पैसेज में भी ओल्ड फोटोज रखी गई है, ओल्ड बुक्स भी रखी गई उस जमाने की। वो वाला है पूरी दोरी की बनाई है, क्या रस्सी से बनाई है? हाँ दोरी की धागे से। अच्छा ये रस्सी के धागे से पूरी पेंटिंग बनाई है।
इधर सामने से। और एज आई वॉज टेलिंग यू की, और ये रहे वो ओल्ड फोटोज। और जो बुक्स की बात करा था वो बुक्स का कलेक्शन भी है यहाँ पे। एज यू कैन सी द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर्स की जो वॉल्यूम 3 से 14 तक की ये सारी बुक्स है। और भी काफ़ी सारी लॉज एंड हिस्ट्री पे बुक्स है। ये एक शेल्फ है बुक का, एंड दिस इज द अनदर वन। और कैमरामैन को वापस कैमरा पकड़ाते हो। और जो ये लास्ट जो हमने लंच किया था और डिनर भी यहीं पे करेंगे, दिस इज द रूम। बहुत ही अच्छी रॉयल फीलिंग देता है ये। यहाँ पे सारा फूड रहता है, एंड दिस इज द टेबल। और लास्ट में अगर इफ़ यू आर बिग फैमिली या फिर इंडिविजुअल है तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। और 4-5-6 लोग हैं तो लास्ट में एक सर्कल टेबल भी है तो वहाँ पे बैठ सकते हैं। पुराने ज़माने के बर्तन, दिस इज रियली नाइस। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग देता है। जब हम लोग यहाँ पर लंच करने बैठे थे तभी बहुत ही अच्छा लगता है। अलग एक्सपीरियंस है ऐसा, कभी आपने किसी रेस्टोरेंट में या फिर कभी रिजॉर्ट में, अगर उदयपुर या कहीं पे भी है ऐसा थीम बनाया हुआ है देन आपको मिलेगा। अदरवाइज पैलेस के अंदर ऐसे खाना खाना मैंने तो कहीं नहीं देखा था। आई डोंट नो, अगर आपने देखा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और पैलेस के इस साइड है क्रिकेट का स्टेडियम है। स्टेडियम तो नहीं है, ग्राउंड है, छोटा सा नेट है तो बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ का जो पार्ट है यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं जहाँ पे राजा और वो रहते हैं, बट हम लोगों को भी जाना अलाउड नहीं है। सुबह हमने पूछा था और वो बोल रहे थे कि अलग अलग हो तो अच्छा है, तो वी आर रिस्पेक्टिंग द प्राइवेसी, इसीलिए वहाँ पर जाकर शूट नहीं करें। पर वहाँ से एक रास्ता यहाँ से ऊपर जा सकते हो। तो अब लोग वहाँ से बाहर निकल चुके हैं, डाइनिंग हॉल हमने वो सब देखा। लेट्स गो दिस साइड। और सबसे पहले यहाँ पे जब एंटर होते हो यही मेन एरिया है जहाँ पे आपको रुकने का स्टे मिलेगा। तो सबसे पहले जब आप एंटर करते हो आपको राइट हैंड साइड पे मिलता है ये ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल, जहाँ पे हमने आज दोपहर में 1.5 घंटे स्विमिंग की है। और ये पूरा पैसेज है, जो पैसेज के साइड में नीचे उतर के वहाँ पे 8 या 9 कमरे बने हुए हैं और उसी में से एक कमरा हमारा जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। लेट्स चेक इट आउट। तो सामने ये बड़ा ग्राउंड है, तो अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो अपना बैडमिंटन, क्रिकेट की या फिर कोई भी किट लेके आए, क्योंकि सामने ग्राउंड है तो आप आराम से खेल सकते हैं। एज यू कैन सी वहाँ पे जो हमारे साथ दूसरे लोग आए थे वो अभी बैडमिंटन खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो अपने साथ लेके आ सकते हो, फैमिली है आपके पास, ग्रुप है, तो डेफिनेटली यू कैन प्ले ही। कमरा है 5 इस तरफ है, 4-5 इस तरफ है, और हमारा है वो रूम नंबर 3 है। बीच में लोन है और दोनों साइड से कमरा आप जा सकते हो। और यहाँ पे एज यू कैन सी दोनों साइड पे चेयर्स है, तो बैठ भी सकते हो अगर आप फ्रेंड्स फैमिली के साथ आए हो तो। यहाँ पे भी चेयर्स है और उस साइड पे भी चेयर्स है तो बैठ सकते हो। तो दिस इज द गैलरी एरिया जहाँ आप अपने रूम की तरफ जा सकते हो। बीच में लॉन है एज मैंने बताया, और कमरे हैं वो मैंने ऑलरेडी, कमरे की जो मेरी रूम टूर है वो मैंने दे दिया पिछले वीडियो में, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। और इसके पीछे की तरफ स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के साथ साथ वहाँ पे गेम का पूरा एक रूम है। तो लेट्स चेक इट आउट। तो भाई बहुत शाम में हाई टी के लिए यहाँ पे नाश्ता था, आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा, यहाँ पे बैठ के आप नाश्ता कर सकते हो। नाउ दिस इज द गेम रूम।
यहाँ पे इंडोर गेम्स है। सो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही जैसे मेरी प्रॉपर्टी मैं दूर दे रहा हूँ। सो सुबह मैं और अंजलि यहाँ पे खेल रहे थे पूल, तो पूल टेबल है, कैरम है और टेबल टेनिस है। उसके साथ साथ जो हमने आपको उस तरफ दिखाया था बाहर कि क्रिकेट खेल रहे थे लड़के, तो वहाँ पर आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, स्विमिंग पूल है। सो दिस आर द एमिनिटीज दैट यू गेट। बाहर ग्राउंड है तो वहाँ पर आप वॉक करनी तो कर सकते हो। तो हमें दो कुत्ते मिल गए हैं, भेड़। हाँ सीरियसली, कितना आराम से खड़ा। इन्हीं का ही है? हाँ इन्हीं का ही है दोनों। सो अंजलि कैसे लगे तुझे प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी तो अच्छी, बट मुझे लगा था बारिश होगी, सनसनाहट वाला मौसम होगा, मजे करेंगे एकदम बारिश में, मैं गाना गाऊंगी मौसम की बारिश। हद कर दी गर्मी ने, मतलब दोबारा से हुई गर्मी, इतनी गर्मी लग रही है हम दोनों। लेट मी टेल यू समथिंग, प्रॉपर्टी इज रियली गुड, अच्छी है, बट वन डे से ज़्यादा आप यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि एमिनिटीज़ में मैंने बोला ऐसा स्विमिंग पूल या सब जो गेम जोन है वही है, तीन चार गेम्स है, क्रिकेट है, आई डोंट नो आप खेल सकते हो या नहीं, और कुछ है नहीं करने के लिए। इतनी बड़ी भी नहीं है क्योंकि इतना सा ही जो एरिया है ये वाला, ओनली दैट एरिया इज एक्सेसिबल टू पीपल, अदरवाइज वो सारा पूरा प्राइवेट एरिया है। तो ऊपर हमको टूर दी थी, टूर मिल सकती है आपको, पर ऊपर भी आपको एक ही कमरा दिखाएंगे, तो दैट्स इट। फिर उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अगर आ रहे हो तो ये सोच के आना कि एक दिन है इज इनफ। हाँ अगर आप शाम को भी निकल सके दैट्स इनफ, रात को हमें पता नहीं है पर डिनर के बाद क्या होगा, कुछ होगा या नहीं आई डोंट नो, बट ऐसा सब है सिनारियो, ये आप सोच के आना। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दें प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए और सब्सक्राइब करें, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाए हो उसके आपको सबसे पहले अपडेट मिले। एंड विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। Thank you.